हेयर पैच में गोल्डन कलर तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एश कलर दिखाने वाले हैं। ये कलर फॉरेन कंट्रीज में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हैं हम हेयर पैच रिमूव कर रहे हैं एंड पैच की पूरी सर्विसिंग की जाएगी। साइज रिक्रिएट होता है सर्विसिंग के टाइम पे। एंड बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ग्लू हेड पे नहीं है। ग्लू इसलिए नहीं है क्योंकि आबिद जो है वो टेपिंग सिस्टम में अपना हेयर पैच यूज करता है एंड टेपिंग सिस्टम में सर पे ग्लू नहीं लगाई जाती। आप देख सकते हैं हम स्कैल्प प्रोटेक्टर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें थोड़ी सी जलन होती है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। एंड मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो अपने हेयर पैच कलर कराना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आए क्योंकि हेयर पैच को कलर करने में एक घंटा लग जाता है। अगर आप अपने नए हेयर पैच में कलर नहीं कराना चाहते तो आप बाद में भी करा सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग एक अलग लुक के लिए। एंड गाइस आप हेयर पैच में डे टू डे की सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बाकी बहुत लोग पूछते हैं कि पैच के बाल फ्री स्टाइल होते हैं या नहीं, तो बिल्कुल अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का हेयर पैच लेते हैं तो उसमें आपको 100% फ्री स्टाइल हेयर मिलेंगे जिसको आप किसी भी तरीके के लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि जो आप हमें लुक देंगे क्या हमें पूरे टाइम वही रखना पड़ेगा, तो नहीं, इसमें आप अपनी मर्जी से लुक चेंज भी कर सकते हैं।